तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टॉप 3 ओल्ड कैरेक्टर्स को टॉप 3 न्यू कैरेक्टर के साथ। अरे बाबा! और उसमें भी मजेदार चीज ये है कि इन तीन ओल्ड वालों की जैसी एबिलिटी है, मतलब कि उसी से मिलती जुलती लगभग वैसे ही एबिलिटी इन तीन न्यू कैरेक्टर्स की है। अरे बाबा! जैसे फर्स्ट वाले की एचपी वाली एबिलिटी है, सेकंड वाले की ग्लू वाली एबिलिटी है और थर्ड वाले की ईपी वाली एबिलिटी है। अच्छा, तो इसीलिए ये कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा टक्कर का होने वाला है। तो चलिए बेटा अब इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन से कैरेक्टर्स जीतेंगे, हमारे ओल्ड वाले कैरेक्टर्स या फिर न्यू वाले कैरेक्टर्स। सो लेट्स बिगिन। तो इस कंपैरिजन में हम लोग तीन अलग अलग टेस्ट करेंगे, एचपी टेस्ट, ग्लू वॉल टेस्ट और ईपी प्लस एचपी टेस्ट। और हर एक टेस्ट में एक ओल्ड वालों की तरफ से कैरेक्टर आएगा और एक न्यू वालों की तरफ से कैरेक्टर आएगा। और जो भी कैरेक्टर्स ये टेस्ट जीतते हैं, चाहे ओल्ड वाले या फिर न्यू वाले, वो जीत जाएंगे इस कंपैरिजन को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना पहला टेस्ट, जिसका नाम है एचपी टेस्ट। और इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से आने वाला है हमारा डीजे आलोक और न्यू वालों की तरफ से आने वाला है डीजे आलोक का छोटा भाई, जो कि दिखने में बिल्कुल डीजे आलोक की तरह ही है और इसका नाम है होमर कैरेक्टर। तो सिंपली इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम में एनिमी का कितना एचपी घटा सकता है या फिर कितने टाइम में अपना कितना एचपी बढ़ा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने ओल्ड डीजे आलोक को कि जो डीजे आलोक है ये कितने टाइम में अपना कितना एचपी बढ़ा सकता है। तो सिंपली हम लोग इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको एचपी बढ़ाने के लिए, नॉर्मली इसके पास 10 ही सेकंड में। तो चलिए देखते हैं कि इस 10 सेकंड में अपना कितना एचपी बढ़ा सकता है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये है हमारा डीजे आलोक और डीजे आलोक का एचपी माइनस कराने के लिए उसको हम लोग यहां पर लेकर आ चुके हैं इस बीमा शक्ति के टावर पर। तो सिंपली हम लोग यहां से डीजे आलोक को नीचे जंप कराएंगे उसके एचपी को माइनस कराने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो यहां पर डीजे आलोक ने नीचे जंप कर दिया और यहां पर जो डीजे आलोक एचपी है वो माइनस होकर 10 एचपी हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने जैसे इसके एबिलिटी पर क्लिक किया तो डीजे आलोक जो है वो अपनी एचपी को काफी तेजी से बढ़ाने लगा और उसी के साथ ही हमारा जो टाइमर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसके पास 10 सेकंड का टाइम है और यहां पर 10 सेकंड बाद जैसे हमने वीडियो को पॉज किया, इसका जो एचपी है वो 10 से बढ़कर पूरा 60 हो गया। मतलब कि डीजे आलोक ने 10 सेकंड में अपना 50 एचपी बढ़ाया है। तो ये तो ओल्ड वालों की तरफ से डीजे आलोक था, लेकिन चलिए अब देखते हैं अपने न्यू वालों की तरफ से अपने होमर कैरेक्टर को कि जो होमर कैरेक्टर है वो कितना टाइम में अपना कितना एचपी बढ़ा सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो होमर कैरेक्टर है वो डीजे आलोक का बिल्कुल ही अपोजिट है, मतलब कि ये अपना एचपी बढ़ाता नहीं है बल्कि एनिमी का एचपी घटाता है। तो इसीलिए चलिए देखते हैं कि जो होमर कैरेक्टर है वो कितने टाइम में एनिमी का कितना एचपी घटा सकता है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये है हमारा होमर कैरेक्टर और यहां पर अभी मेरे आसपास में कोई भी दूसरा एनिमी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर हमने जैसे इसके एबिलिटी पर क्लिक किया तो इसके पास से एक ड्रोन निकला और ये ड्रोन सीधा जाकर एनिमी को लगा और एनिमी को 25 डैमेज पड़ा। और यहां पर दो एनिमी एक साथ ही मतलब आसपास नहीं थे, तो इसीलिए इन दोनों एनिमी को 25-25 डैमेज करके पड़ा और वो भी इंस्टेंटली। और हमें डीजे आलोक की तरह 10 सेकंड वेट भी नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ, अगर यहां पर एक एनिमी अकेला होता तो इसको भी सिर्फ 25 ही तक डैमेज पड़ता, लेकिन इसको एनिमी को डैमेज देने के लिए डीजे आलोक की तरह वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों कैरेक्टर को आपस में कंपेयर किया जाए तो होमर कैरेक्टर कुछ सेकंड में एनिमी का 25 एचपी घटाता है और जो डीजे आलोक है वो 10 सेकंड में उससे डबल मतलब 50 एचपी अपना बढ़ाता है। तो जो होमर कैरेक्टर है वो एनिमी का एचपी घटा रहा और वो भी सिर्फ 25, और जो डीजे आलोक है वो अपना एचपी बढ़ा रहा और वो भी 50। और आप सभी को पता ही होगा कि अपना एचपी बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेम में, तो इसीलिए यहाँ पर जो डीजे आलोक है वो जीतता है। मतलब कि इस टेस्ट में ओल्ड वालों का एक पॉइंट होता है, क्योंकि जो डीजे आलोक का एचपी है वो तो डबल है ही, साथ ही साथ जो डीजे आलोक है वो अपना एचपी बढ़ा रहा। लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, अब की बार देखते हैं अपना दूसरा टेस्ट, जिसका नाम है ग्लू वॉल ब्रेक टेस्ट। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कितने इजीली तरीके से ग्लू वॉल के पीछे छुपे हुए एनिमी को मार सकता है। और इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से आने वाला है हमारा स्काइलर कैरेक्टर और न्यू वालों की तरफ से आने वाली है हमारी एरिस कैरेक्टर। और आप सभी को बताइए कि इन दोनों कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो ग्लू वॉल वाली एबिलिटी है। लेकिन इस टेस्ट को दिखाने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग फ्री फायर बहुत
बहुत अच्छा खेलते हैं और अपने इसी स्किल से वो पैसा अर्न करना चाहते हैं, लेकिन टूर्नामेंट से ऐप्स में आने वाले हैकरों की वजह से कोई भी अपने इस स्किल से फायदा नहीं उठा पा रहा। और नहीं, अब आप भी अपने प्रो स्किल्स को यूज करके महीने का हजारों कमा पाओगे, क्योंकि एक खतरनाक सी साइट ने इन हैकरों का सॉल्यूशन निकाल लिया है। ये साइट वाले हर बंदे की यूआईडी खुद ही वेरीफाई करते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि हैकर्स की आईडी का हेडशॉट रेट और विन रेट बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे प्लेयर्स को ये साइट वाले खेलने ही नहीं देते। और इस साइट पे जीतना इतना आसान है कि क्या ही बताऊं। जीतने के लिए आपको बस टॉप 30 में आना है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इधर देखो, मैं ढंग से लूट भी नहीं पाया और मैं जीत भी गया, और ये 150 सीधा मेरे अकाउंट में भी आ गया। और तो और गाइस, इस साइट पे करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साइट पे आप रिडीम कोड से भी पे कर सकते हो। तो हैकर्स भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं चाहिए, और टॉप 30 विनर्स है, और तो और फ्री मैचेस भी है। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाओ और कमाओ। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। तो अब वापस आते हैं अपने इस दूसरे टेस्ट पे, और इस दूसरे टेस्ट में सबसे पहले देखते हैं अपने ओल्ड स्काइलर कैरेक्टर को, कि जो स्काइलर कैरेक्टर है वो किस तरीके से ग्लू वॉल के पीछे छुपे एनिमी को मार सकता है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये है हमारा स्काइलर कैरेक्टर, और स्काइलर कैरेक्टर के साथ ज्यादातर क्या होता है कि जैसे कि यहां देखिए, यहां पर ये है हमारा स्काइलर कैरेक्टर, और यहां पर जैसे इसने एनिमी को डैमेज दिया, और उसके बाद एनिमी ने जैसे ही बचने के लिए ग्लू वॉल लगाया, उसके बाद स्काइलर कैरेक्टर ने अपने एबिलिटी के मदद से उसको ग्लू वॉल तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद यहां पर जैसे ही दोबारा से स्काइलर कैरेक्टर उस एनिमी को मारने गया, तो वैसे ही एनिमी अपना दूसरा ग्लू वॉल लगाकर स्काइलर कैरेक्टर से बच गया। तो ज्यादातर स्काइलर कैरेक्टर के साथ ऐसे ही होता है कि जैसे ही स्काइलर कैरेक्टर ग्लू वॉल को तोड़कर एनिमी को मार जाता है, तो वैसे ही एनिमी अपना दूसरा ग्लू वॉल लगाकर स्काइलर कैरेक्टर से बच जाता है। लेकिन यहीं पर अगर अपने न्यू इरिस कैरेक्टर को देखें कि ये किस तरीके से ग्लू वॉल के पीछे छुपे हुए एनिमी को मार सकती है, तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये हमारे इरिस कैरेक्टर, और यहां पर देखें, यहां पर हमने एक एनिमी आया, और उसके बाद हमने जैसे इसको डैमेज दिया, और उसके बाद एनिमी ने बचने के लिए ग्लू वॉल लगाया, और जैसे ही एनिमी ने बचने के लिए ग्लू वॉल लगाया, उसके बाद ये इरिस कैरेक्टर ने उसे उस ग्लू वॉल के भी आर पार, यहां पर आप देख सकते हैं, पार कर सकती है, और यहां पर उसे उस ग्लू वॉल के आर पार इस इरिस कैरेक्टर ने उस एनिमी को मार दिया। मतलब कि एनिमी को बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ लोग बोले कि एनिमी अगर दूसरा ग्लू वॉल लगा के तो बच सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एनिमी दूसरा ग्लू वॉल लगाकर भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये जो इरिस कैरेक्टर है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्लू वॉल तक के आर पार भी एनिमी को मार सकती है। तो इस तरीके से इरिस कैरेक्टर ग्लू वॉल के पीछे छुपे हुए एनिमी को मार सकती है। और अब अगर हम इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को अगर आपस में कंपेयर किया जाए, तो ऑब्वियसली इस टेस्ट में जो इरिस कैरेक्टर है वो जीतती है, क्योंकि स्काइलर कैरेक्टर से कभी कभी एनिमी जो है वो बच जाता है, लेकिन इरिस कैरेक्टर से एनिमी का बचने का बहुत ही कम चांस है, मतलब कि ना के बराबर इरिस कैरेक्टर से बचने का चांस है। तो इसीलिए इस सेकंड टेस्ट में जो पॉइंट जाता है वो जाता है हमारे न्यू कैरेक्टर्स को। और इसी के साथ दोनों कैरेक्टर्स का जो पॉइंट है वो एक एक हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा और लास्ट टेस्ट, जिसका नाम है EP+HP टेस्ट। और इस टेस्ट को जो भी जीतेगा वो जीत जाएगा इस कंपैरिजन को, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स का एक एक पॉइंट है। तो चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट टेस्ट को, और इस टेस्ट में होगा ये कि हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर अपने ईपी के मदद से अपने कितना एचपी को बढ़ा सकता है। और इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से एक ही कैरेक्टर बचा जो कि हमारा के कैरेक्टर, और न्यू वालों की तरफ से भी एक ही कैरेक्टर बचा जो कि हमारा जस्टिन बीबर कैरेक्टर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने ओल्ड के कैरेक्टर को, कि ये जो के कैरेक्टर है वो अपने ईपी के मदद से कितना अपना एचपी जो है वो बढ़ा सकता है। और इसको भी हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम देंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। तो इसके पास भी 10 सेकंड का टाइम, देखेंगे कि 10 सेकंड में अपना ईपी के मदद से कितना एचपी अपना बढ़ा सकता है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये है हमारा के कैरेक्टर, और यहां पर के कैरेक्टर ने जंप किया, और यहां पर इसका जो एचपी है वो माइनस हो चुका है। लेकिन यहां पर अभी आप देख पा रहे हो इसका एचपी जो धीरे धीरे बढ़ रहा, तो जो नॉर्मली ईपी से एचपी में कन्वर्ट होता है वही हो रहा। लेकिन यहां पर हमने जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक किया, तो अभी जो के कैरेक्टर अपनी एबिलिटी की मदद से इसका जो एचपी है वो बढ़ा रहा, और जब हमने इसकी एबिलिटी पर क्लिक किया तो उस वक्त इसका जो एचपी था वो 25 था, और उसके बाद हमने जैसे ही 10 सेकंड के बाद वीडियो को पॉज किया तो इसका जो एचपी है वो 25 से बढ़कर 75 हो गया। मतलब के कैरेक्टर ने इस 10 सेकंड में अपने ईपी के मदद से 50 एचपी बढ़ाया है। तो हमने इस ओल्ड के कैरेक्टर को तो देख लिया, लेकिन चलिए अब देखते हैं अपने न्यू जस्टिन बीबर कैरेक्टर को, कि जो जस्टिन बीबर कैरेक्टर है वो कितने टाइम में अपने ईपी के मदद से अपना कितना एचपी बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों को इसकी एबिलिटी के बारे में नहीं पता, तो मैं आप सबको बता दूं, इसकी भी एबिलिटी जो है वो ईपी और एचपी वाली है, लेकिन इसकी जो एबिलिटी है वो के कैरेक्टर के बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब कि जस्टिन बीबर कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो अपने ईपी के मदद से एचपी को तो नहीं बढ़ाता है, लेकिन अपने एचपी को माइनस होने से बचाता है। मतलब कि जस्टिन बीबर कैरेक्टर जो है वो अपने आने वाले 15% डैमेज को रोक देता है, और जहां पर इसका एचपी माइनस होने वाला था उसके बदले इसका जो ईपी है उतना ही माइनस हो जाता है। और
इसके 15% डैमेज को रोक देने की वजह से अगर आपको इसको दसवें कैरेक्टर को किल करना हो तो 200 डैमेज से ये नहीं मरेगा, क्योंकि 15% डैमेज रोक देता है। इसको मारने के लिए आपको 230 के आसपास डैमेज देना पड़ेगा, तभी जाकर जो दसवें कैरेक्टर है वो मरेगा। तो इसीलिए अभी के लिए हमने दसवें कैरेक्टर की जगह इस कैरेक्टर को यूज किया, जिसका जो एचपी है वो लगभग 230 के आसपास है, क्योंकि अभी ये दसवें कैरेक्टर है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और ये जो कैरेक्टर है ये भी लगभग दसवें कैरेक्टर की तरह ही काम करेगा। तो चलिए अब इसको ही हम यहाँ से जंप कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर ने जंप किया और यहाँ पर इसका जो एचपी है वो माइनस हो गया, और अब ये अपना एचपी के कैरेक्टर की तरह नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि दसवें कैरेक्टर की एबिलिटी जो है मतलब कि वो अपनी ईपी के मदद से एचपी बढ़ा नहीं सकता, बल्कि डैमेज को रोक सकता है। तो जितना डैमेज उसने रोक सकता था उसके बदले हमने इसको उतना ही एक्स्ट्रा एचपी दे दिया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका जो टोटल एचपी है वो 45 है, और ये अपना अब एचपी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकता। मतलब कि अब आप ऐसे बोल सकते हो कि इसने जो अपना एचपी बढ़ाया है वो है 35, और अब ये अपना एचपी नहीं बढ़ा सकता। और अब ऐसे में अगर इन दोनों कैरेक्टर को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर जीत रहा। जो हमारा के कैरेक्टर है वही जीत रहा, क्योंकि जो के कैरेक्टर है वो अपना एचपी जो है वो कितना भी बढ़ा सकता है, लेकिन जो जसवीं कैरेक्टर है वो अपना एचपी बढ़ा नहीं सकता, बल्कि सिर्फ डैमेज को, थोड़ा सा डैमेज को ही रोक सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो विनर है मतलब जो पॉइंट जाता है वो जाता है हमारे ओल्ड कैरेक्टर्स को। और इसी के साथ ओल्ड कैरेक्टर्स के 2 पॉइंट होने की वजह से इस वीडियो में जो बैटल है वो जीतते हैं हमारे ओल्ड कैरेक्टर्स।